चलो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन मारा ए सखी जीवन मारा। श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा काबख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ महामती कहे ए मोमिनो ये शरत करो याद फेर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद जो झगड़े को बुनियाद हजरत हज इत करी धाम धनी अक्षरातीत बीतक के घटनाक्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल प्राणधार सुंदर साथ जी थोड़ा बिजली प्रॉब्लम लाइट प्रॉब्लम के कारण अंतिम प्रसंग 15 मिनट का या शायद 10 मिनट का छूट गया था, तो आज इसी प्रसंग को जोड़ते हुए कल के अंतिम जो हमने घटनाक्रम देखा, वैसे तो आगे से हम कल सूरत थे। कहाँ थे? सूरत गुजरात। सूरत के घटनाक्रम में शिवजी भाई रामजी भाई के प्रसंग को देखते देखते आगे श्याम भट्ट भीम भट्ट वेदांत के आचार्य जुड़े। जिसके भी तन में सत्य जानने की जिज्ञासा पिपासा हो वो खोज करके ही शांति पाता है। ऐसे ही हमारे भीम भट्ट और श्याम भट्ट निजानंद दीने इस्लाम की सच्ची राह पर चल पड़े और आगे गोविंद जी व्यास भी राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे। उसने भी धनी अक्षरातीत की पहचान की, तारतम ज्ञान ग्रहण करके भी इस राह पर चल पड़े। उसके आगे बिहारी जी महाराज ने जो तीन नियम भेजे और हम आज तीन दिन से लगातार निरंतर हम सुनते आ रहे हैं कि बिहारी जी महाराज की मानसिकता क्या है,
कैसी उस दिल में संकुचित भावना है, और श्री जी और सुंदर साथ पर क्या गुजार रहे हैं। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठने मात्र से अपने को अक्षरातीत मान बैठे हैं। क्या कोई गादी पर बैठने से ही अक्षरातीत हो सकता है? गादी की महत्ता तो इसलिए थी सुंदर साथ जी कि उसी समय, ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, कि उसी समय देवचंद्र जी महाराज के धाम दिल में श्यामा जी, सुंदर बाई स्वरूप श्यामा जी अवतार, मतु मेता घर अवतार, ये श्यामा जी के धाम दिल में, सुंदर बाई के धाम दिल में युगल स्वरूप की बैठक, 40-40 साल की खोज, उसके बाद राज्य को तीसरे दर्शन में प्रत्यक्ष किया, और ये सतगुरु महाराज जब कहलाए, निजानंद स्वामी कहलाए, ये निजानंद स्वामी जब चाकले पर, चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर बैठते थे, तो वो गादी की महत्ता नहीं, उस गादी पर सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर जो युगल स्वरूप बैठकर लीला कर रहे थे, इसलिए गादी की महत्ता है। ये प्रसंग को आप ध्यान से आज दिल में उतार लीजिए। और आगे सुने, लंका में एक मैं दृष्टांत दूंगी आपको। लंका में रावण ने जब अपने भाई कुबेर को गादी से उठाकर जब हो बैठ गए, तो क्या उसने देवत्व प्राप्त कर लिया? क्या वो देव बन गए? अक्षरातीत बनने में सुंदर साथ जी कोई अक्षरातीत नहीं बन सकता। हाँ, उस गुणों को हम आत्मसात कर सकते हैं। उस दिल में जो निधिया पड़ी है अनंत, चाहे धाम धनी का गंजान गंज इसके, उसमें सम थोड़ी कुछ सुगंधी, या उस दिल में जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, मेहर है, वाहदत है, इल्म है, उस निधियों को हम आत्मसात, उस गुणों को हम आत्मसात कर सकते हैं। हम अक्षरातीत कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, ये शोभा परम धाम में है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, क्योंकि ये तो यहाँ अवगुणों की दुनिया है, विकारों की दुनिया है, ये संसार नश्वर है। इस दिल में कई जन्मों जन्मांतर के कई अवगुण, कई विकार, कई संस्कार बने हैं। इसलिए तो धाम धनी में वाणी में बताया कि मेरे को ऐसा कोई ना मिलिया कि मैं दिल की कह सकूं। क्या बताया धाम धनी ने वाणी में? कि मेरे को कोई ऐसा ना मिलिया। सुंदर साथ जी, आज लालदासी ऐसे कई परमन शेख बदल जी और भी, छत्रसाल जी, केशवदास जी, गोवर्धन भाई, ऐसे अग्रणी सुंदर साथ, उसके साथ पल पल उस सानिध्य में रहते थे, तो भी श्री जी के मुखारविंद से ये वचन उद्बोधित हुए कि ऐसा कोई ना मिलिया कि मैं दिल की कह सकूं। हम आगे अनेक अनेक घटनाक्रमों में हम आगे प्रसंग अनुसार देखते जाएंगे। तो यहां बिहारी जी महाराज अपने को क्या मान बैठे हैं कि मैं गादी पर बैठा हूं तो मैं ही अक्षरातीत हूं। अपने को कृतकृत्य मानते हैं कि नहीं, ये सभी गुण मेरे अंदर है, मैं ही हूं। लेकिन सुंदर साथ जी अपने तप और त्याग के बल पर, ध्यान से सुनिए, अपने तप त्याग के बल पर और आगे ज्ञान की राह अपना कर, प्रेम की चितवनी कर कर, इस साधना के बल पर उसके गुणों को तो आत्मसात किया जा सकता है,
लेकिन इस संसार में यह तन कभी अक्षरातीत नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तन को शोभा दी थी पांचवें दिन में मेराज ठाकुर का जो तन था, उस तन में अक्षरातीत की आवेश शक्ति, लेकिन उस तन की साधना को तो देखा, देखो आप, क्योंकि यहाँ बिहारी जी महाराज बैठने मात्र से अपने को अक्षरातीत मान रहे हैं। और इंद्रावती ने आज उसकी अगली साधना को तो आपने सुन लिया, उसके बाद छह माह तक जामनगर प्रबोधपुरी अवसे में अपने तन को वीर की अग्नि में तपाया, उसके बाद धाम धनी की बैठक उस धाम दिल में हुई। वैसे तो यहाँ कई स्थान, ऐसे कई कुर्सियां, कई सीट है, चाहे नेता की हो, चाहे कोई अधिकारी की हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, क्या कोई किसी को अधिकार मिला है कोई भी पोस्ट पर, उस पोस्ट या गादी पर या सीट पर बैठने से क्या कोई ये बन सकता है? चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे तालुका प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो क्या उस चेयर पर बैठने से कोई हमको प्रधानमंत्री बोल सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है? क्या कोई जिला प्रेसिडेंट बोल सकता है? नहीं, उस योग्यता प्राप्त करने में कितने साल लगाने पड़ते हैं, कितने नेटवर्क में लगना पड़ता है, कितना पैसे का धन का खर्च भी हो जाता है, कितना बल लगाना पड़ता है, उसी के बाद एक संसार की एक सामान्य सी 5 साल की सीट मिलती है। सुंदर साथ जी, तो ये तो अक्षरातीत को पाने की बात है। किसकी बात है? अक्षरातीत को। तो यहाँ जो बिहारी जी महाराज की मानसिकता को अपने कल के प्रसंग में देखा, और श्री जी को जब पत्र लेकर भेजा, और उस पत्र में जब और श्री जी ने भी वापस पत्र लिखा और कलश भी साथ में भेजा, तब बिहारी जी ने क्या लिखा कि अरे महाराज, तुम्हारे अंदर तो ये कविता बनाने की कोई कला है, और ऐसे ऐसे तो बहुत से वचन लिखे। इतना नहीं, सुंदर साथ जी आगे भी हमने कई प्रसंगों में सुना, और सुंदर साथ ने जब भीम भाई ने अगवानी लेकर बोला कि सुंदर साथ जी, हम आपस में विचार विमर्श करके हम निश्चित किए कि भाई धाम धनी की बैठक कहाँ पर है। देखो आप जो जो सुंदर साथ को वहाँ भेजते थे बिहार जी महाराज के पास, वो दुखी हो के आते थे, वो किसी को अभी तक धाम की बात नहीं बता पाए हैं। इतना नहीं, किसी को निजानंद संप्रदाय में ईमान नहीं ला पाए हैं, और जिस जिस को आपने भेजा वो भी वहाँ से दुखी होकर आए। तो आप उसी कर पर जो आप आशा रखे बैठे हो, तो हे धाम के धनी, हे प्राणनाथ जी, आप छोड़ दीजिए। तब जाके सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने मिलके श्री जी की वहां आरती उतारी। आरती मतलब सब अगवानी लेकर वहां से जागनी कार्य का जो उत्तरदायित्व सतगुरु धनी से देवचंद्र जी महाराज ने महामती इंद्रावती को जो दिया था, ये सब काम अपने सिर पर ले लिया। और आगे के जो घटनाक्रम कल के प्रसंग में जो छूट गए हैं, कि यहां बताया तब लाल दास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदम पहुंचे मोमिन। इन समय लाल दास को माया की भई उलझन, इस प्रसंग जो कल छूटा था, तो प्रणदार सुंदर साथ जी यहाँ जो भी सुन रहे और जो कल सुनेंगे, ये सुंदर साथ इस प्रसंग को यहाँ से जोड़ दे कल सुनने के समय, के इन समय लाल दास को माया की भई उलझन। किस समय? आगे के प्रसंग हमने अंतिम देखा था, जब लालदासी सुदामापुर पोरबंदर से आए, और उसके बाद जो अंतिम लीला और मूल स्वरूप
अक्षरातीत ने अपने दिल में ले लिया कि अब इस आस भाई इस लालदास जी को मेरे को ये जागनी कार्य में सहकार और सहयोगी बनाना है, क्योंकि अभी समय वो हो गया है। तो राज्य ने जब मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया तो यहाँ क्या हुआ, माया ने धक्का लगाया। क्या धक्का? तो लालदास जी महाराज का जो जहाज दरिया में चल रहे थे वो सब डूब गए। मैंने कल बताया था लेकिन आज भी उस बात को मैं आगे विस्तार से बताऊं कि जब दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखर वो तक से दूर। इस खेल में दो प्रकार की मेहर धाम धनी की बरस रही है, एक जाहिरी मेहर है एक बातुनी मेहर है। हम क्या मेहर को देखते हैं? जाहिरी, कि हमारे घर में कोई बिजनेस या कोई धंधे में प्रॉफिट हो जाए या जो भी हमारी इच्छाएं है वो पूर्ण हो जाए, कोई मन्नत है ये पूर्ण हो जाए। लेकिन राज्य क्या मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं? आप रास ग्रंथ की अंतिम दो चौपाई में रोज बोलते हैं कि दई प्रदक्षिणा अति घनी करूँ दंडवत प्रणाम। जब जब पूर्णाहुति होती ना समाप्ति का दिन तब बोलते कि दई प्रदक्षिणा अति घनी करूँ दंडवत प्रणाम सौ सात के मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। मन ना मनोरथ पूर्ण की धा मारा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। तो क्या मनोरथ? जो परम धाम में हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे इच्छाएं, राज्य के दिल की जो पूर्ण पहचान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और एक संसार के एक सामान्य घर में इस छोटे से घर को गोलिका को घर कर बैठे हैं। तो मूल स्वरूप ने क्या सोचा कि लालदासी एक यहाँ के ये जो दरिये में सागर में जहाज चल रहे हैं और अपनी जो गोदाम में जो माल धन संपत्ति उसी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सुंदर साहब ये किसकी बात है? लालदास जी की क्या? हमारी? ठीक है, हमने तो ये 500 बार या 50 या 25 क्या 100-150 बार का मकान को तो अपना मान लिया है। ये रंग महल ये तो यहां की चितवनी में बुद्धि के कार्य क्षेत्र में समझाने के लिए राज्य ने 2000 मंदिर का लंबा और 2000 मंदिर का चौड़ा, इतना तो एक रंग महल और 6000 मंदिर की गिरत, इतना रंग महल तो हमारा सिर्फ 9 भौम और 10वीं आकाशी वाला, और एक एक भूमिका में एक एक मंजिल में हमारा एक एक श्रृंगार का लीला का जो स्थान बना है ये हम भूल गए। यहाँ तो शायद 500 बार के मकान हो न, सुनिए ध्यान से, लीला भी मैं साथ में लेती जाऊंगी, 500 बार का मकान होने तो अभी शायद हमारा प्राइवेट कमरा हो या न बन हो, न भी हो पता नहीं, एक हो कदाचित हो तो एक कमरा हमारा प्राइवेट हो, नौ तो नहीं होते ना। वहां तो सिर्फ रंग महल में सिर्फ हमारी एक एक ब्रह्मात्मा का नौ तो हमारा प्राइवेट मंदिर है। कैसी लीला होती है वहां सिंगार के भोजन के हैं, झूला झूलने का, कैसी कैसी वहाँ लीला होती है। और आसपास की जो विहार लीला के जो स्थान बने हैं वहाँ भी कितने महल मंदिर अपनों देखिए देखिए खेलन के सब ठोर। जवेरों के महल में आगे जाइए तो चौथी परिक्रमा में पांचवी छठी सातवीं कैसे हमारे खेलने का आस विलास के रंग वो परम धाम के जो लीला विहार के स्थान बने हैं। सुंदर सा जी याद कीजिए इस लीला को, ये लालदासी की बात नहीं है। राज्य ने ये मनोरथ पूर्ण किए कि तुम रोज खेलती थी, आज इस इतनी साहेबी इतना प्रेम ये सब कुछ भूलकर तू ये छोटे से यहाँ माल मिलकत में तू फंस चुकी है।
ये तेरा घर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये तू टेम्पररी आई है, थोड़े दिन के लिए आई है और अपना अखंड मान लिया है, चल तू यहां से बाहर निकल। सुंदरसा जी, सिर्फ राजजी लालदासी को एक को बाहर नहीं निकाल रहे, हम सबको निकाला है। कई बार कई रूपों में राज्य आए होंगे, कई बार जगाने का प्रयास किया, फिर हम सो गए। क्या हुआ? सो गए। यहां लालदासी को दिखने में तो एक कहर लग रही है, लेकिन बातूनी में महर है। तो इसी प्रसंग से हम क्या बोध लेंगे कि हमारे घर में मान लो कि कोई ऐसी अनघटित घटना घटे और कोई माल मिलकत चली जाए, कोई घाटा घर में आए, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारे ईमान को गिरा देंगे? क्या करेंगे हम इसी समय? क्या राज्य को छोड़कर दूसरी ओर चले जाएंगे? कि हमारा ईमान पर हम पक्का रहेंगे, अडिग रहेंगे? आकिन्ना छूटे सुहागनी जो पड़े कोट बिघन। आकिन हमारा ना छूटना चाहिए। या देखो लालदासी, ध्यान से सुनिए, धामधनी आगे बहुत बड़ी शोभा देने वाले हैं। हम भी लालदासी की तरह जैसे इस राह पर चलेंगे तो राज्य जैसे जैसे हमारा जीव की अंदर की अवस्था योग्यता बनती जाएगी, वैसे वैसे राज्य हमारा भी रास्ता आसपास का खुला करते जाएंगे और एक दिन उस अवस्था पर पहुंचाएंगे कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, जागृतता में भी नहीं सोचा है। सुंदरसा जी, ये अवस्था राज्य हमारी बनाएंगे। आज हम कई बार सोचते ने कि हम ये सुंदर साथ की तरह, हमारे लिए क्यों रास्ता खुला नहीं हो रहा है, हम क्यों इस राह पर नहीं चल पा रहे, हम संसार की माया क्यों नहीं छोड़ पा रहे, हम क्यों नहीं सेवा कर पा रहे हैं, हम क्यों इतना त्याग नहीं कर पा रहे, हम क्यों इतना तप कर नहीं पा रहे हैं, हम क्यों इतनी चितवनी नहीं कर पा रहे। लेकिन सुंदर साथ जी, एने पगले आपन चालिए, आपन मतलब हम चलेंगे तभी तो। या लालदासी देखो, जहाज डूब गए, गोदाम में आग लग गई, उसके अंदर और वैराग्य पैदा हो गए, ईमान बिगा नहीं, वैराग्य पैदा हो गए अंदर से, बस एक विरह की अग्नि जलने लगी कि बस निकलना है, राज्य का आदेश हो गया। महामती कहे पीछा, हाँ, ना किसी की परवाह। चलो क्या करना है? ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में। बच्चे बहुत टैलेंट हो गए, ठीक है, एक धाम ही हृदय में लेना है। संसार परिवार को हृदय में लेके चलना नहीं है। चलिए, यह संसार तो बहुत जन्मों से दिल में बस चुका है, उससे कभी भी अभी कुछ प्राप्त हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। तो क्या करना है, किस राह पर चलना है? बच्चों, सत्य की राह पर, निजानंद दीने इस्लाम की सच्ची राह पर चलना है। यह कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मिशन है। यहां लालदासी आगे हम देखे तो यही प्रकरण में बताया कि लालदासी जैसे ही इसमें से निकले और इससे अतिरिक्त तो इतना नहीं, सुंदर साथ जी और भी माया ने घेरा डाल दिया, लेकिन अंदर से अपना ईमान अडिग रहा, बस अंदर से वैराग्य और बढ़ता गया। और आगे उसने क्या सोचा कि बस मेरे को निकल जाना है। तो वहां से लालदासी निकल गए और निकलने के बाद कहाँ जाने का पहले सोचा? नौतनपुरी। और नौतनपुरी क्यों गए? दिल में क्या प्रण लिया कि मैं बिहारी जी महाराज का दर्शन ना करूं तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, तब तक फलाहार और जल पर रहूंगा। तो वहां से निकले, रास्ते में मांगरोल
पाटन होते हुए जब आगे बढ़ते तो मांगरोड़ पाटन में जो व्यापारी लोग अपने पैसे की जो कलेक्शन के लिए मतलब पैसे लेने के लिए उगाही करने के लिए जब आते और उसके पहरेदार वहाँ रोक लेते हैं कि भाई आपको नौतनपुरी नहीं जाना है। उसके अंदर क्या डर था कि नौतनपुरी जाएंगे तो उसके अंदर वैराग्य ज्यादा पैदा हो जाएगा, वो संत बन जाएगा तो हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन मूल स्वरूप की इच्छा भी क्या थी, क्या इच्छा थी, उसको तो सूरत ही तो भेजना था। तो देखो हम इस प्रसंग से क्या बोध लेंगे कि राज जी कई बार हमारा विचारा हुआ काम नहीं बनता ने, तब समझ लेना कि राज जी मूल स्वरूप की इच्छा कुछ और है। हम बोलते तो धनी हम तो आज, लेकिन एक काम ना बने दोष किसको, दोष किसको, राज जी को। और रोज बोलते हम तो आज और सिर ले काम करे और भजन न करे दोष देवे, ऐसा हमारा काम है। ठीक है, तो यहां पहरेदारों ने रोक लिया। मूल स्वरूप की इच्छा थी, पहरेदारों के अंदर प्रेरणा करने वाले कौन थे। बच्चों ध्यान से सुनिए, एक एक प्रसंग हमारे पर घटित होता है। हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ राज जी करवा रहे हैं अंदर बैठ के प्रेरणा, क्योंकि जो बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, और वतन की बात यहां पहुंच रही है परातम से आत्मा के धाम दिल में, तो वहां से निकले दीव बंदर पहुंचे। और दीव बंदर में पहुंचकर 15 दिन वहां रुक के, कितने दिन रुक के, 15 दिन, और वहां से निकले और सीधे 1729 का समय आ गया और 29 में सूरत श्री जी के चरणों में पहुंचे। और सूरत श्री जी के चरणों में पहुंचने के बाद श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वहां भोजन का समय हो चुका था। श्री जी ने बोला लालदास भोजन कर लो। तब लालदास जी ने क्या बोला, मेरे को अनाज का प्रण है, मैं असमर्थ हूँ, मैं आपका भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि जब तक मैं नौतनपुरी पहुँच कर बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम नहीं करूँगा, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तब जाके अब तक श्री जी ने नहीं बोला था कि मैं प्राणनाथ हूँ, मेरे अंदर ही एक शक्ति मूल स्वरूप की आवेश शक्ति बैठी है, सतगुरु धनी देवचंद्र जी भी यहाँ ही मेरे धाम दिल में बैठे हैं। देखो ये सुंदर साथ के धाम दिल में और आप सुंदर साथ की जमात में मिल गए तो आपका सब कार्य यहाँ पूर्ण हो गया। आपको नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रण यहाँ पूरा हो गया, आप भोजन कर लीजिए। तब लालदास जी ने भोजन आरोगा और अंतिम छुपाई में बताया कि भोजन आरोगने के बाद महामती कहे मोमिनो शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद। श्री महामती जी की कह रही है कि इस शुभ घड़ी को याद करो। किस शुभ घड़ी को याद करो, कि धाम धनी के चरणों में मैं पहुंचा था और उसके आगे क्या घटनाक्रम घटने वाला है और मेरे और बिहारी जी के बीच में क्या विवाद का कारण बनेगा, ये मैं अगले प्रकरण में बताऊंगा। अगले घटनाक्रम में महामती अपने स्वरों में कह रही है, अपने अगले घटनाक्रम में बताऊंगी। मैंने एक दिन बताया था कि सत्य है तो सामने असत्य भी है, तभी तो सत्य की पहचान होगी। ज्ञान है तो अज्ञान है, तभी तो ज्ञान की पहचान होगी। रावण था, सामने कृष्ण भी थे, सॉरी राम भी थे, राम थे या क्या रावण थे, तभी तो राम को दुनिया पहचानती है। और कंस थे तो कृष्ण को दुनिया पहचानती है। दिन है
तो फिर रात्रि भी रात को आएगी। तो ऐसे यहाँ ज्ञान का उजाला होने वाला है, तारतम्य वाणी जाहिर हो रही है। तो यहाँ अज्ञान रूपी दज्जाल बार बार खड़ा होता रहेगा। तो यहाँ अगले प्रसंग में क्या बताया कि हजरत हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल को कुछ करे दारुल बक्का। हजरत हज इत करी, यहाँ हजरत किसको कहा गया और जो प्रसंग भविष्य वाणी का जो कथन उद्बोधित करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम और आगे भविष्य में श्री प्राणा जी पर जो घटित और मोमिनों पर जो घटित होने वाला ये घटनाक्रम में कतिब ग्रंथ का उदाहरण लेकर समझाया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम जब मक्का पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए एक बार मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे और मदीने में जाकर कितना बड़ा जनसमूह एकत्रित किया और अपने चाचा जो अबू जहल था उसको मार कर उसको जीत कर, पहले उसको जीता और उसके बाद उसको मार भी दिया जाता है और पूरा मक्के पर अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं मोहम्मद साहेब। वही प्रसंग को लेकर श्री प्राणनाथ जी या मक्का जामनगर को कहा गया है और मदीना सूरत को कहा गया है। तो यहाँ से प्राणनाथ जी श्री जी मक्का जामनगर से निकले हैं यात्रा करते करते, जागने की यात्रा में आगे बढ़े, फिर दीव बंदर से फिर आगे बढ़े, तो अभी हम कहाँ हैं, सूरत में। तो सूरत को क्या कहा गया, मदीना शहर। तो यहाँ से प्राणनाथ जी मदीने से चले गए, जैसे मोहम्मद साहब ने मदीने से प्रस्थान किया और मक्का पर अपना अधिकार जमाया, ऐसे यहाँ श्री प्राणनाथ जी मदीने से चलकर दारुल बक्का हमारी राजधानी हमारा कैपिटल पन्ना जब पहुँचेंगे, कैसे रास्ते में जागनी यात्रा करते करते और वहाँ जाके ये निजानंद संप्रदाय का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लेंगे, जो जिस तन को शोभा मिली थी ये तो होने वाला ही था। तो यहाँ सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करके आगे कैसे जागनी यात्रा बढ़ती है, इस प्रसंग को समझाते हुए यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम जब मक्के में थे तब मक्का के लोगों ने उस पर हत्याचार किया और वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे और मदीना में जाकर अपना बड़ा बहुत जनसमूह को बहुत बड़ी सेना को एकत्रित किया और अपने अंदर स्वयं ने देखभाल की और आगे जाके उसने अबू जहल को हजरत अली के द्वारा मरवा भी दिया और मक्के पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी अनुसार यहाँ श्री जी ने प्राणनाथ जी ने जो बिहार जी महाराज जामनगर, अभी हमने आज 3 दिन से इस प्रसंग को हम सुनते आ रहे कि उस दिल में जो अज्ञानता रूपी दज्जाल जो राक्षस मतलब बार बार सुंदर सात को परेशान करना, तो उसी को दूर करने के लिए उसने आगे जो जागनी यात्रा का प्रयाण किया और बिहार जी महाराज अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी राक्षस को मारा और इतना नहीं पन्ना पहुंचकर वहां खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की जो आखिरी मार्फती जो वचन थे जो मोहम्मद की जुबान पे नहीं चढ़े थे। तो ऐसे जैसे अबू जहल था वो धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति करता था, धर्म की राह पर नहीं चलता था, सच्ची राह पर नहीं चलता था, वैसे बिहारी जी महाराज भी धर्म की सच्ची राह पर न चलकर जो सुंदर सात को दुखी करते थे, वैसे ही यहाँ श्री जी
जब पन्ना में पहुंचते हैं तो वहां आखर मार्फत की वाणी उतरी और श्री जी को सुंदर सात की जमात ने पहचान लिया और अक्षरातीत के स्वरूप में माना, धाम धनी के स्वरूप में माना और सदगुरु महाराज की बातुनी गादी का सर्वोच्च अधिकार मैंने कल भी बता दिया था कि जाहरी मसनंद किसने ली? बिहारी जी महाराज ने, और बातुनी मिहिराज ने। तो यहां सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया। यही प्रसंग को लेकर सुंदरसा जी यही समझाया। और आगे जब श्री जी इस जागणी यात्रा को आगे बढ़ाते, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए, ध्यान से सुनिए, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए श्री जी जब जागणी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो 500 की जमात सूरत से, कितनी जब दीवबंदर से निकले ने, और वैसे तो जामनगर में सतगुरुधनी देवचंद्र जी के समय भी कई सुंदर साथ ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया था। बाद में वो फिर क्या हुआ था, माया में सो गई थी। फिर दीवबंदर से श्री जी की पांचवें दिन की यात्रा शुरू हुई। उसी समय जुड़ते 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 सुंदर साथ अब हम सूरत में पहुंचे। वहां 500 की जमात का कारवा निकल पड़े, उसको क्या कहा गया, महाजर। महाजर क्यों कहा गया, जिसने अपना तन मन जीव आत्मा, धन तो है ही, जो है तो लेके के निकल ही पड़े, जीव आत्मा ये सब कुछ राज जी के चरणों में श्री जी की पहचान करके समर्पित कर दिया। इतना नहीं, अंतिम पन्ना तक पहुंचे और वहां भी अपना श्री जी के साथ पूरा जीवन गुजारा। यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनिए पकड़े। ये बात तो अंतिम तक भूलना ही नहीं है, समझ में आया। यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनिए पकड़े हाथ। तो यहां से महाजरों की जो एक पूरी जमात निकल पड़ी। और सुंदर साथ जी इसी प्रकरण में बहुत से सुंदर साथ का नाम है। और जुड़ते 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 अंतिम प्रकरण में बताया कि इसी समूह ने, इसी ब्रह्मात्माओं की जमात में कौन कौन जुड़ते हैं, तो ये आगे के प्रकरण में बताते हैं कि कौन कौन जुड़ते हैं। तो सूरत से जब प्रस्थान किया और आगे अहमदाबाद, गुजरात मतलब अहमदाबाद, और अहमदाबाद से आगे सिद्धपुर और मेहता से हुए कैसे दिल्ली पहुंचते हैं, इस प्रसंग में हम आगे बढ़े। तो कौन कौन जुड़ते हैं, इसी सुंदर साथ का नाम सुनते ही, ध्यान से, यही सुंदर साथ का नाम सुनते ही हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां बायजुराज जी का नाम दिया गया है, जो श्री जी के साथ चली और श्री जी के अंग संग रही और अंतिम 1700 विक्रम संवत 1750 श्री जी से एक साल पहले अंतर ध्यान लीला की। बैसाख शुद्ध अष्टमी के दिन बुधवार को, और कितना सुंदर साथ के बीच में प्रेम किया, कितना लाड किया, ये धाम धनी आगे बताएंगे। और उसके बाद गोवर्धन भाई तन मन धन से श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए, जो अब्बासी बंदर से आए थे। और उसी के बाद श्याम भट्ट, भीम भट्ट वेदांत के आचार्य, और उसी के बाद कौन जुड़े, सूरत के सुंदर साथ नागजी भाई, और उसी के बाद बिहारी जी की बहन। देखो बिहारी जी ने कैसी लीला की, एक ही तो भाई बहन थे, और उसकी बहन जमुना बाई और छबील दास दोनों निकल पड़े। इतना नहीं, स्वरूप की पूर्ण पहचान कर ली और छबील दास आगे जल की सेवा में आगे रहेंगे।
जल पिलाने की सेवा में वो आगे रहेंगे। ऐसे ही पहचान की कि वो स्वरूप से एक क्षण अलग नहीं हुए। जमुना बाई ने अपनी वारसी किसको दी? छबील दास को। और आगे और भी सुंदर साथ, लाल बाई, उसकी बेटी श्याम बाई, आगे उसका दामाद राम राय भी जुड़ेंगे। इतना नहीं, और आगे धामधनी बता रहे हैं कि बहुत से सुंदर साथ जुड़ने लगे, जुड़ते जुड़ते और आगे हम कहाँ पहुँचे सुंदर साथ जी? सिद्धपुर पहुँचना है। और आगे यहाँ चल के आए पहुँचे गुजरात, और राह खुदाई की वास्ते लड़े मेटन को जुलमात। किस लिए जमात निकल पड़ी? अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके ये तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को संसार में फैलाने के लिए ये 500 का कारवां निकल पड़े और हम सीधे सिद्धपुर। गुजरात में 4 दिन रोक के हम सिद्धपुर पहुंचते हैं, और सिद्धपुर में 22 दिन रुकते हैं। कितने दिन? 22 दिन। और ध्यान से सुनिए, 22 22 दिन का 4 बार प्रसंग आएगा। कितनी बार आएगा? 4 बार। इससे पहले 22 दिन कहाँ का प्रसंग था? सुंदर बाई और इंद्रावती का, दोनों आत्माओं का मिलन रहा, ये दूसरा प्रसंग है। और तीसरा दिल्ली में प्रेम जी, नाग जी और संग जी। और चौथा 22 दिन का उज्जैन के अंदर, ठीक है? तो 4 बार 22 22 दिन का प्रसंग आएगा। तो यहां सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास उपाध्याय वहां रहते हैं, और वो श्री जी को मिलते हैं। और मिलने के बाद भले उपली पहचान करते हैं। देखो यहां 2 पहचान की बात की है, एक उपली पहचान, एक बातुनी अंदर की पहचान, आंतरिक पहचान। यहां एक वहां का पंडा है, और श्री जी को भी ये तीर्थ गुरु के रूप में मानता है, पूर्ण पहचान नहीं है। उपली पहचान से श्री जी और सुंदर साथ की सेवा में वो लग जाते हैं। श्री जी और सुंदर साथ की सेवा करते करते, सुंदर साथ जी सब जमात की सेवा करते करते एक दिन ऐसा आया कि श्री जी को वहां से निकलना हुआ। श्री जी कब मिले थे भगवान दास रेवादास को? जब सिद्धपुर में पहुंचे तो कहां मिले? विंध्य सरोवर के पर श्री जी ये भगवान दास उपाध्याय को मिले और वहां सेवा की। और जब निकल पड़े वहां से, तब चलते चलते श्री जी ने एक मोहर हाथ में दी। किसको? रेवादास को। तो उसी को पहचान नहीं हुई थी, तो ज्यादा मोहर की लालच में वो श्री जी के साथ पालनपुर तक चल पड़े, वहां तक गए। तब साथ में कौन थे? गोवर्धन भाई। तो गोवर्धन भाई ने क्या बताया कि हे भगवान दास, तूने क्या पहचान की? तूने एक तीर्थ गुरु के रूप में तू पंडा ही रहा, और तूने को एक मोहर दी, यहां की तो नश्वर चीज तो तेरे को मिल जाएगी। इस स्वरूप की तूने क्या बातुनी पहचान की? सुंदरसा जी, ये प्रसंग हमको क्या समझा रहा है? हम भी पूरा जीवन लौकिक चाहनाएं, लौकिक कामनाएं, लौकिक इच्छाएं पूर्ति करने में लग जाते हैं। मेरे को बताइए सुंदरसा जी, आज इतने सुंदर साथ बैठे हैं, ये कोई भगवान दास रेवादास उपाध्याय का कोई प्रसंग नहीं है। हम भी चाहे कितनी बार वाणी का पठन किया, ध्यान किया, क्या हमारे दिल में? ध्यान से सुनिए, और जो वीडियो
कल कोई सुनेंगे, ये भी ध्यान से दिल में ले लीजिए इस प्रसंग को। क्या हमारे दिल में राज्य के पास राज्य को मांगने की कभी इच्छा पैदा हुई? राज्य के सामने कभी भी हमने राज्य को मांगा कि राज्य तू आ जा? कभी नहीं मांगा। मांगा राज्य को कभी कि राज्य बस तू आ जा, तुम आए सब आया, दुख गया सब? बोलते तो है लेकिन कामनाएं क्या कहां की पूरी करते हैं? इस माया की, कि बस इतनी धन संपत्ति घर में आ गई, कल एक कार आ जाए घर पे, कल दूसरी आ जाए, परिवार सुख संपन्न रहे, आसपास में सेविकाएं रहे, ये बना रहे। कभी भी हमने राज्य से राज्य को नहीं मांगा। हमने राज्य से और चीजों से खरीदना और धोखा दिया राज्य को। क्या राज्य छलिया, मतलब ऐसे हम छल करेंगे उसके साथ, धोखा करेंगे तो राज्य क्या छले जाएंगे? राज्य दूतियों किन को ना जाए, जो अनेक कीजे दूतार। राज्य सुंदर साथ छोटी छोटी चीजों से या कहीं पैसे से धन संपत्ति के बल खरीदना चाहते हैं तो राज्य ऐसे नहीं मिलेंगे। राज्य तो बस इतना कहते हैं कि बस तेरा दिल दे लीजियो और मेरा दिल ले लीजियो। मतलब लाओ प्यार करो दीदार, बस आपका दिल दे दीजिए और हम मेरा दिल ले लीजिए। यहां तो प्रेम का सौदा है, किसका सौदा है? प्रेम का, माया का नहीं है यहां। तो यहां भगवान दास उपाध्याय कौन है जो इस प्रसंग को सुन के अपने पर ले ले कि राज्य से राज्य मांगे? तब गोवर्धन भाई ने वहां याद दिलाई कि ये तू उस स्वरूप की पहचान कर, उसके पास लौकिक नहीं अलौकिक धन मांग, कि तेरा आत्म कल्याण हो जाए, तेरा भला हो। तब क्या बोला भगवान दास ने, देखिए इसमें चौपाई स्पष्ट कर दिए, ध्यान से सुनिए कि हे श्री जी, मेरी परात्म को पहचान के मेरी आत्मा की पहचान करवाइए कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा निज घर कहाँ है, मेरा आत्मा के प्रियतम कौन है, मैं पहले कहाँ थी, ये सब कुछ मेरे को पहचान करवाइए। क्या हमने इतने सालों में कभी भी बोला कि ये पहचान धनी मेरी अभी तक नहीं हुई है, मेरे को पहले ये पहचान करवाइए, मेरे को ये संसार की तुच्छ चीज नहीं चाहिए? तो यहां श्री जी ने क्या बोला, ध्यान से, श्री जी ने बोला कि हे भगवान दास, मैं 22 दिन तेरे साथ रहा, तभी कभी भी बात नहीं खोली, और 28 दिन जब पूरा होगा तब अंतिम दिन आप पूछोगे कि दीदी, ध्यान से, अंतिम दिन आप पूछोगे कि दीदी ये 27 दिन आपने क्या क्या घटनाक्रम वर्णन किया, तो क्या मैं अंतिम दिन आपको बता पाऊंगी कि 27 दिन मैंने क्या क्या घटनाक्रम का वर्णन किया था? 27 दिन यहां साथ में रहे, 27 दिन यहां अभी तक सुनी, और कल जो सुन रहे सब ठीक है, तो तब तक सुना वो गया कहां से? यहां क्या बोला कि साथ में रहा, कहा तो आपने राज्य को लिया नहीं, सुना नहीं, जो सुना होता तो यह हाल आपका नहीं होता। तो अभी मैं जाते जाते कितना बताऊं, तो भी जाते जाते 4 शब्द, कितने बोले? 4 शब्द। ये 4 शब्द क्या भगवान दास को बोले थे या हमको भी अभी धनी बुला मतलब बोल रहे हैं? 4 शब्द क्या क्या थे? हे भगवान दास, ध्यान से सुनिए, अभी हमको समझा रहे हैं। हे भगवान दास, तुम सबसे पहले अखंड ब्रज में आए थे, उसी के बाद आप रास में गए, आपके मनोरथ पूर्ण ना हुए तो ये जागनी का ब्रह्मांड
बनाया और आपकी आत्मा को लेकर ये जागनी के ब्रह्मांड में आप पांचवें दिन में हो और ये छठा दिन चल रहा है और छठे दिन में आप परम धाम में जाना है और परम धाम में अक्षर धाम को याद करो। किसको याद करो? अखंड अद्वैत योग माया अखंड ब्रह्मांड और आगे अक्षर धाम को याद करो, क्योंकि नीचे से ऊपर ले गए ना, पाताल से लेकर आगे अष्ट आवरण युक्त 14 लोक को पार कर कर अक्षर धाम को याद करो। उसके परे क्या है? योगमाया ब्रह्मांड से परे दिव्य परम धाम को याद करो। उसी के अंदर जो जमुना जी पुखराज से खजाना के ताल से निकलते हुई और आगे कहाँ आई? बंगला जी अद्विज के कुंड ढपो चबूतरे मूल कुंड से आदि ढपी आदि खुली दक्षिण की ओर मरोर के पूर्व में सात वन सात घाट जमुना जी केल पुल से आगे मरोर खाती और केल लिम्बोय अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट फिर बट से आगे फिर आगे चली और मरोर अग्नि कोने से मरोर लेके होज कोसर की पश्चिम की ओर चली और एक हीरे की पाल तीन में कई मोहलाद गिर देहोरी कई बन है क्यों कहु फल फूल पात ऐसे होज कोसर में मिल गई। उसी को आप याद करो। क्या बोला? उसी को आप याद करो। तो चार शब्द क्या है? सुंदर साजी बातों ने रूप में समझाया, तुम ब्रज में आए, निंद का रहा, रास में आए, आदि जागृत आदि निंद। जागरणी ब्रह्मांड में तीसरे दिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी की लीला में आए, तभी वाणी नहीं उतरी थी तो जागृत नहीं हो पाए। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन तीन लीला आया चार और चारों का या में भोग, तो तीन लीला बीत चुकी, ये चौथी जो जागनी रास की अंतिम लीला चल रही है। हे भगवान दास नहीं, हे सुंदर साथ। क्या बोला? हे सुंदर साथ चलो औरे साथ आपन जइए धाम, ओ चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन धनी ये बताया, मूल वतन धनी ये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। और यहाँ आगे और क्या बोला? मेरे मीठे बोले हुआ तुम्हारा क्या? भगवान दास एक का हुआ या हमारा सबका हो गया? या राज जी क्या बता रहे चौपाई के माध्यम से? हे सुंदर साजी तुम्हारा काम हो गया। किस माध्यम से हुआ? ये वाणी आई, श्री जी आए, स्वयं धाम के धनी आए। और कितनी बार आए? पांच बेर पियो हम वास्ते सागर में डारिया आप। कितनी बार लेने के लिए आए पियो? पांच पांच बेर। तो अब तो इस नींद से उठो, जागो, उठने का दिन आया। अभी सोने का दिन नहीं है, उठने का नहीं, चलने का दिन आया। चलने का दिन नहीं, दौड़ सको सो। कितनी बात रखो और कितनी बात छोड़ो, यू तैयारी आगु करनी है। फिर बोलिए पीछे का चरण सब अंगी सक
निक्षो ब्रह्मांड, बोलिए श्री प्राणनाथ क्या करना है। चलो सुंदर साजी यू तैयारी कीजियो। या भगवान दास को सिर्फ नहीं बोल रहे कि यू तैयारी कीजियो, हम सबको धाम धनी बोल रहे कि तैयारी कीजिए। 5 दिन की यात्रा में जाना हो तो भी 8 दिन से लगे हो, जब अनंत की यात्रा में जाना हो, जाना है हो नहीं परमानेंट नहीं छोड़ेंगे ने तो भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम उसकी है तो जिसकी है वो तो ले ही जाएंगे। तो यहां भगवान दास को बोला कि 4 शब्द तू चलते चलते, भगवान दास इतना जब अभी सुना ने वो सुनकर वो भी मौन हो गए। तभी तो श्री जी स्वयं बोल रहे थे। आज तो पता नहीं ये माया का जीव कदाच अपनी बुद्धि से भी बोलता हो, बोलने वाला तो राज्य है उसी शक्ति से बोला जा रहा है, लेकिन कभी कभी बुद्धि भी बोल देती है, इस्तेमाल हो जाता है। स्वयं श्री जी तभी बता रहे कि सुंदर साथ जी आप चलिए धाम की ओर, यहां 6 मास तक मौन हो गए। कौन? भगवान दास, रेवा दास। हमारे अंदर इतना सुख, ध्यान से बच्चों, इतना सुख, इतना प्रेम की आनंद की लहर उठने लगे, हमने कितना मौन धारण किया। सुंदर सा जी जितना आप मौन धारण करोगे ना इतना अपने अंदर एक अवस्था बनती जाएगी। आप कम बोलिए, आप जितनी आप साधना की राह पर आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे चाहे ज्ञान के चिंतन हो, वाणी का मंथन हो, स्वाध्याय हो, ध्यान चित्वनी की राह पर आप जितना कम बोलो ने इतनी मन की शक्ति एकाग्र होती जाएगी। आप एनर्जी, आपकी इंद्रियों का जो तेज है, आप व्यर्थ बातों में नष्ट मत कीजिए। हाँ, राज्य की बातों में, उसके चिंतन में, किसी को समझाने में राज्य की बातों को लेकर तो करिए, फालतू संसार की बेकार बातों में आपका समय व्यर्थ मत कीजिए। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अब जितना मौन रहोगे ने इतनी अंदर से पावर शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। देखो इस प्रसंग, एक एक प्रसंग क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि तुम ये मौन हो गए भगवान दास क्योंकि इतना सुख भर गया अंदर। एक बार तो सुख भरने के बाद, इसलिए तो राज जी ने वाणी में बताया के प्रेमी तो नेचे छिपे उन मुख बोलियो न जाए। देखो अभी तो एक तरंग उठी है भगवान दास रेवादास के अंदर, अखंड ब्रज रास और धाम की, और मौन हो गए नेचे छिपे उन मुख बोलियो न जाए। और कभी कदाचित ज्ञानी बोले तो प्रेमी को कैसे समझाए। ये प्रेम की भाषा मौन है। कैसी है प्रेम की भाषा? मौन होती है। तो यहां 6 मास मौन हो गए। 6 मास के बाद एक दिन उसको केशव दास मिलते हैं। कौन मिलते हैं? केशव दास जी मिलते हैं। जब उसके साथ कोई बातचीत कर रहे थे, बातचीत के क्रम में उसने बता दिया कि हे केशव दास, आज से 6 मास पूर्व कोई तेजस्वी ओजस्वी ऐसे महापुरुष अपनी कई हजारों की जमात में वो यहां से निकले थे, उसने मेरे को चलते चलते 4 शब्द सुनाया है। तो केशव दास जी अंदर तो परम धाम की आत्मा थी, बेहज बनज का ओएगा साथी, एक लवे होसी टुक टुक, उसके अंदर परम धाम का मूल अंकुर अंकुर था। तो अंदर से बस तड़प लगी कि अरे ये कौन था, जल्दी बताइए मेरे को, जल्दी बताइए ये कौन था और क्या बताया आपने, ऐसी कैसी अखंड की बात आपके सामने रखी होगी कि तुम 6 मास तक मौन हो गए। तब जाके केशव दास जी को भगवान दास ने ये बात रखी जो मैंने अभी बताई।
मैं फिर नहीं दोहराऊंगी। तब केशवदास जी ने क्या बोला, अरे पंडे तू तो पंडा ही रहा, तेरी कम नसीबी तेरी बद नसीबी पर क्या कहूं, तेरे सौभाग्य में था, जैसे नहीं कहते लक्ष्मी जी चंद क्या बोले तिलक करने के लिए आए और उसी टाइम आप बोलो कि मुंह धो लूं, उसी टाइम आप बोलो कि मुंह धो लूं, इतनी देर क्या लक्ष्मी जी रुकेगी चंदन करने के लिए? हमारी कुछ ऐसी लीला चल रही है, सिर्फ भगवान दास की नहीं चली है। अंतिम समय श्वास भी साथ नहीं दे रहा है, शरीर भी थक चुका है पूरी तरह, और हम सोचेंगे कि अभी राज जी की चितवनी कर लूँ, ध्यान कर लूँ, वाणी पढ़ लूँ, चर्चा सुन लूँ। 70 साल गुजार दिए, 80 साल गुजार दिए, तब तक नहीं हुआ क्या? चलते चलते होगा, चलते चलते होगा क्या? नहीं होगा ने, तो कब करना चाहिए? छोटी उम्र में कब करना चाहिए? छोटी वही में, ठीक है। और हमने तभी देखा था ना जब मिहराज देवचंद्र जी के चरणों में इंद्रावती की आत्मा आई, तब ध्रुव को प्रहलाद को शंकादि को छोटी उम्र में ही तो धनी के चरण कमल मतलब भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए थे। तो यहाँ क्या बताया कि हे पंडे तेरा सौभाग्य था, तेरे सामने ऐसे अक्षरातीत आया था, ये तो अक्षरातीत था, तुम्हें ना करी पहचान, मैं तो उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान। अरे ये कोई भगवान नहीं, संत मनीषी तपस्वी अवतार कोई भगवान, ये कोई अक्षर ब्रह्म भी नहीं था, ये तो कौन थे? अक्षरातीत था, तुमने पहचान नहीं की, चलो मैं तो उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान, मैं तो चल मैं तो निकल पड़ता हूं। सुंदर साथ जी अक्षरातीत सीधे किस स्वरूप में पहचान लिया? अक्षरातीत के थोड़ी भी देर नहीं लगी। आप इस प्रसंग से सुनिए कि नहीं श्री जी मिले, ध्यान से श्री जी प्रत्यक्ष नहीं मिले रूब रूब, फेस टू फेस, और चर्चा भी श्री जी के मुख से किसी की कही हुई भी सुनी नहीं है। यहां भगवान दास ने सिर्फ 4 वचन रखे हैं, और कैसे पहचान लिया ये तो अक्षरा, किस स्वरूप में पहचान लिया कि ये तो अक्षरा तीत था? आज मेरे को इसी प्रसंग पर थोड़ा आगे विस्तृत थोड़ा बताना है। सुंदर साथ जी इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए कि आज हमारे समाज में एक जो फैशन चल पड़ी है, थोड़े समय से जो परंपरा चल पड़ी है कि कई महिला सुंदर साथ अपने को श्यामा जी मानती है, कई महिला सुंदर साथ अपने को राज्य भी मानती है, और आज समाज में हम देखो तो सुंदर साथ जी ऐसा कई जगह सुनने को मिलता है कि अपने को राज्य की बराबरी करने लगी। सुंदर साथ जी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि यहाँ हम राज्य की बराबरी कोई भी परिस्थिति की स्थिति पर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शोभा तो एक महामती एक इंद्रावती के जो मेहराज नाम के तन था उसी तन को मिली। वो तन ध्यान से सुनिए, जब अंतिम लीला अपनी पूर्ण की घूमर जी दरबार में, तब नूरी स्वरूप से, मैंने पहले दिन बताया था नूरी स्वरूप से घूमर जी में ये स्वरूप जुल्ले पर विराजमान हो गया, और महामती का धाम दिल इन देहुरी की चुमसी खाक दिल मेहरबान होते पाक। तो ये महामती के धाम दिल में अक्षरातीत की
पांचों शक्तियां विराजमान होकर अभी नूरी स्वरूप से वहां लीला कर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इस गुम्मट जी का महत्व है, इसलिए उसकी गरिमा है, इसलिए पूरे समाज में उसको आज इतने बड़े स्थान माना जाता है। इतना नहीं, ये बीतक में अंतिम आएगा कि जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। पहले लिया आपके दिल में, इसके बाद जो आया 14 तबक का तामे जम्बूद्वीप, तामे बुंदेल भरत खंड, तामे बुंदेल खंड, तामे परना धाम, तामे सिपत छत्रसाल की नावे पटंतर। और तो जो पन्ना जी पद्मावतीपुरी धाम और 14 लोक का जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा, क्योंकि वहाँ महामति के धाम दिल में अभी प्रत्यक्ष लीला साक्षात लीला वहाँ हो रही है। इसलिए जो पन्ना की गरिमा है उसी की गरिमा हम बढ़ा तो ना सके, लेकिन कम करने का, उसी को नीचे गिराने का हमारा अधिकार नहीं है। आज हमारे समाज में मैंने बोला ने कि कई कई महिला सुंदर साथ ने श्यामा जी का दावा ले लिया है, और इसको मानने वाले सुंदर साथ भी कोई ऐसे अबूझ नहीं है। ध्यान से सुनिए, ऐसे कोई अबूझ नहीं है, वो जान समझ मतलब वाणी को समझने वाले सुंदर साथ है, बीतक को समझदार सुंदर साथ है। इतना नहीं, 25 पक्ष की चर्चनी का भी ज्ञान रखते हैं। ऐसे सुंदर साथ को मैं क्या कहूं। इतना नहीं, ये सुंदर साथ विद्वान बनकर एक सुंदर साथ समाज में और सुंदर साथ को प्रबोधित भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। क्या उस सुंदर साथ को यह मालूम नहीं है कि मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि आज हम गादी की गादीवाद, व्यक्तिवाद या प्रांतवाद या वर्गवाद या गादी के नाम पर तन पर जो हम आज एक आस्था या निष्ठा बना के हम बैठ गए, तो सुंदर साजी अक्षरातीत कोई व्यक्ति परक नहीं है, अक्षरातीत कोई एक सिर्फ गादी पर बैठने वाले नहीं है। तो ये मैंने जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले विस्तार से बात बता दी थी, तो यहाँ राज जी इस प्रसंग को लेकर ये सुंदर साथ को इस बात एक विचारणीय ये है, विचारणीय है। उस पर आप सुंदर साथ जितने भी सुंदर साथ मेरी चर्चा अभी सुन रहे हो और जो भी सुंदर साथ आने वाले समय में सुनेंगे, ये सुंदर साथ इसी बात पर आप चिंतन करना कि हम आज व्यक्ति विशेष एक ग्रुप बना दिया और प्राणनाथ की गरिमा को हम कर्म कम कर रहे हैं, उस गरिमा को हम झुका रहे हैं। और हम एक नहीं, ऐसे जानकार विद्वान प्रचार करने वाले और सुंदर साथ को भी उसी की ओर मोड़ रहे हैं। तो आज हम प्राणनाथ की गरिमा को कम करने का, गरिमा को नीचे गिराने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो सुंदर साथ इस प्रसंग से प्रबोध ले ले, एक सीख ले ले कि सुंदर साथ जी हम कहाँ जा रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं, और अंधेरी खाई की ओर तो नहीं जा रहे। हाँ, मैंने बोला ने उस सुंदर साथ को मैं भी सम्मानित करती हूँ, क्योंकि उस सुंदर साथ को राज जी ने अपनी कृपा से शोभा दी है। ठीक है, तो शोभा के नाम पर, कोई चमत्कारों के नाम पर कि उस सुंदर साथ के अंदर देखो ऐसी लीला होने लगी, उस सुंदर साथ राज जी को राज जी ने दर्शन दे दिया, उस सुंदर साथ के मुख से ऐसे वचन निस्तृत हुए, मुखरित हुए, तो ठीक है, ये शोभा है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये उसकी शोभा है। तो वैसे तो ध्यान से सुनिए मेरा आगे का प्रसंग जो राज जी आज बता रहे हैं, वैसी शोभा तो 400 साल की परंपरा में हमारे परमहंसों ने भी दी थी। ध्यान से सुनिए जो प्रसंग को मैं समझा रही हूं, वैसी वाली शोभा तो राज जी ने हमारे 6ठे दिन में छत्रसाल को लेकर लालदासी, केशवदासी, मुकुंददासी, गोवर्धन भाई, सब सुंदर अग्रगणी और भी ये जो कारवा और ये जागनी की यात्रा चलती रही, चलती आज ही समय, अब इसी घड़ी समय तक ये शोभा चलती रही है। जो राज्य जिसको शोभा देना चाहते हैं, जिस पर राज्य की मेहर है,
वो स्वभाव छीन सकेंगे, लेकिन वो अपने को राज्य कहे और अक्षरातीत के रूप में मनवाए तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं प्रमाण दूंगी ने वाणी के। और आगे बताया कि जो रूह कदी आगे चली तो वो बैठी वह जिमी जिमी माहे पांचों मिले पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना है। क्या बताया? जो रूह कदी आगे चली तो सोचिए कि जब ये तन छूटेगा तो जिसने आज कोई श्यामा जी बनकर बैठ गई, कोई राज्य बनकर आज हमारे समाज में, तो ये चमत्कारों की लीला पर तो राज्य की गरिमा ही नहीं रहेगी, महत्व ही नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी मैं और आगे बताऊं तो जो रूह कभी आगे चली तो जब ये तन एक दिन तो छूटने वाला है। देखो ना, जिस तन में अक्षरातीत ने लीला की वो तन भी हमारे बीच से चौथे और पांचवें दिन का तन अंतर्ध्यान हुआ ने, प्रत्यक्ष लीला ओझल हुई ने, समझ में आया? तो जैसे यहां से जीव, ध्यान से, ये जीव और आत्मा जब गुम्मर जी में श्री जी के महामति के धाम दिल में जो धाम धनी की लीला हो रही पांचों शक्तियों के साथ वहां पहुंचेंगे तो उसके सामने सिर ऊंचा करके कैसे वो जवाब देंगे कि अरे अक्षरातीत की शोभा तो ये एक तन को थी और तू वहां जाके मेरे को जाहिर करने के बदले तू जाहिर होने लगी। और राज जी ने क्या बताया कि शुद्ध देवो मेरी औरन को तो चले तुम्हारा हुक्म। जो मेरी शुद्ध तुम दूसरों को देगी ना, पहले मेरी पहचान करवाओ। ये पहचान करवाने का अधिकार तुम्हारा है। तुमको अक्षरातीत बनने की शोभा नहीं है, तुमको राज जी बनने की शोभा नहीं है। सुंदरसा जी वाणी में इसलिए तो राज जी ने बताया कि ऐसा कोई ना मिलिया जो मैं दिल की कह सकूं। क्या तभी लालदासी नहीं थे? क्या छत्रसाल नहीं थे? तो भी श्री जी ने ये क्यों बोला? क्योंकि जीव की एक यहाँ की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है और जीव अवगुणों और विकारों से भरा हुआ है। ये जीव कभी भी अक्षरातीत की उपाधि प्राप्त कर ही नहीं पाता और हमने तो ये जीव वाले तन को राज्य मान लिया, ये तो बहुत गलत बात है। और दूसरी और बात रखूं तो जो अभी हमने कल भी सुनी थी कि सुख देऊ सुख लेऊ सुख में जगाऊ साथ इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खेलाऊ रंग तो ये गरिमा ही धूल में मिल जाएगी। तो कहाँ गरिमा रही? दूसरी यही बात तो चलो जो राज जी ने महामती के तन को शोभा दी है वो लीला उस तन से होनी चाहिए। मैं आज बहुत चिंतन किया उस बात पर। मेरी बात समझ में आ रही है सुंदर साथ जी? जो राज जी ने महामती को इंद्रावती की आत्मा को जो शोभा दी है वो लीला उसी तन से छठे दिन में दिखनी तो चाहिए। थोड़ी सी तो झलक, और इतना नहीं इन मोती को मोल कहियो ना जाए ये कबू कानू ना सुनाए। जो कोई मोल करे तो मोल करने वाला भी जल मरे। क्यामत नामा को पढ़ के तो आप सुनिए, देखिए आप कि इन मोती को ये अक्षरातीत की महिमा इतनी अनंत है, अपार है। उसका मोल मतलब उसकी कीमत उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, उसकी महिमा अपरम पार है। और कान हमारे ये पंच महाभूत के कानों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसकी महिमा भी सुन के पूरा आत्मसात कर सके। यहां सब कार्य क्षेत्र सीमित है। और अंतिम में एक बात रखूं कि आज ऐसे मान लो कि कोई स्थान का किसी ने कोई नेतृत्व करने के रूप में कोई लीडर बना दिया या कोई शहर का या कोई सर्वोच्च लीडर बना दिया कि तुम इस शहर की जागनी का कार्य संभालो, तुम इस स्थान का संभालो। और किसी किसी को राज्य ने थोड़ी उससे
आगे कोई विशेष कोई गद्दी की भी शोभा दी, ठीक है चलो। ऐसे नहीं कि महाराज या कोई महानुभावों की या कोई गादीपति महाराज श्री की बात करूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मतलब आज कई स्थानों में भी कोई कोई सुंदर साथ को तो नेतृत्व दिया गया है ने, ठीक है। तो जो सुंदर साथ को दी गई शोभा, वो सुंदर साथ भी आज हमारे समाज में, मैंने कई स्थानों में, कई जगह गुजरात में और प्रांत में भी मैंने देखा है कि ये सुंदर साथ भी अपने को सर्वे सर्वा मानने लगा, जैसे बिहारी जी मानते थे कि मैं इस गद्दी का अधिकारी हूँ, मतलब इस गद्दी का एक वरिष्ठ नेतृत्व करने वाली मैं गादीपति या महिला हो तो मैं गद्दीपति, एक महिला हो या पुरुष हो तो मैं गद्दीपति, एक महाराज हूँ। तो ये मान के अपने अंदर जो अहंकार लिया, सुनिए मेरी बात, अपने अंदर जो अहंकार लिया वो कभी भी सत्य की राह पर अध्यात्म की सर्वोच्च उपलब्धि वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने अंदर ज्ञान का अहंकार लिया, पद का अहंकार लिया, और उसी के अंदर जैसे ही अहंकार लिया ना, ध्यान से इतना भी सूक्ष्म भी अहंकार देखो ना, रास में लिया था, वालो जी अंतर ध्यान हो गए। यही बात तो हमारी है, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों समझा रही हूँ सुंदर साथ जी। आज समाज में जो वर्तमान में चल रहा है, इतना भी अहंकार लिया ने हमारे अंदर की खूबियां निधियां छीनी ले जाएगी, मतलब छिनवाएगी। कैसे? हमारे अंदर जो विनम्रता है, जो नम्रता है, झुकाव है, शालीनता है, शिष्टाचार है, कि एक आत्म मेरे सामने जो प्रणाम कर रही है तो उससे पहले मेरे को उस चरणों में झुकना है, प्रणाम करना, ये विनम्रता हमारे अंदर नहीं रहेगी। मैंने ये अलग अलग स्थानों में कई जगह गुजरात में भी देखा है कि थोड़ा बड़े स्थान पर कोई शहर या ग्राम में बैठाया गया तो सीधा अपने अंदर अहंकार आया गया, आ गया कि मेरी बराबरी का तो यहाँ कोई है ही नहीं। सुंदर साह जी इतना तो सोचिए कि ये कृपा किसने की है आप पर, मूल में कौन है? राज जी कौन है? इस शोभा देने वाले कौन है? मूल में राज जी है। ये राज जी ने दी है तो उसका सही उपयोग कीजिए, सही राह पर चलिए, वो सुंदर संसार के कल्याण के रूप में उसका मार्ग आप अपनाइए। और मैं आगे और कहूँ तो सुंदर सदी इससे हमारे समाज पर, ध्यान से सुनिए अंतिम प्रसंग को, इससे हमारे समाज में क्या नुकसान हो रहा है, इससे हमारे समाज में कैसे अलगाव हो रहा है, कैसे सुंदर साथ एक बंटवारा एक बट गए हैं अलग अलग ग्रुपों में, जो सुंदर साथ इसी को मानने वाली व्यक्ति के भाई यही श्यामा जी है, नहीं हमारे लिए तो ये बालाजी है, ये राज जी है, तो ऐसे ऐसे करके वो राज जी मूल स्वरूप को छोड़कर उसी व्यक्ति विशेष खो जाने से एक गुट बंधन में बंध गए, एक ग्रुप बंधन में बंद गए। तो वो उसकी जो समझ थी, विवेक था, उसकी समझ को स्तर तो वहां ही रुक गया ने। और उससे हम संगठन एकता कभी भी संसार में हम नहीं ला पाएंगे। आज देखो ब्रह्मा कुमारीज मत, मैंने एक दिन बात रखी थी, बार बार मेरे मुख से ये बात क्यों आ रही है स्वामीनारायण संप्रदाय राधा स्वामी, क्योंकि सुंदर सा जो जिस आराध्य को लेकर वो चल पड़े हैं, वो शिव बाबा कहते, परम पिता शिव बाबा। वैसे तो वेद में शिव को कल्याणकारी परमात्मा जो है उसको शिव कहा गया है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो कल्याणकारी सब ब्रह्मांड के सबके पति है वही शिव बाबा है। वो तो शंकर को लेकर, त्रिदेव वाले शंकर को लेकर, और शिव बाबा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, शिव बाबा को अपने आराध्य इष्ट के रूप में मान रहे, और इतना नहीं, और अपने जो मूल संस्था है अपनी आबू में, ठीक है, ब्रह्मा कुमारीज वाली ये संस्था में जो पहले लेखराज जी ने चलाई थी, किसने?
जिस संस्था की स्थापना लेखराज जी ने की थी, उसी के बाद वही परंपरा में जो आगे जानकी दीदी करके, और अभी भी तो देखो, इस बात से मैं ये समझाना चाहती हूँ, एक सेंटर से जो भी नियम आउट हो रहे हैं, जो रिलीज हो रहे हैं, उसी के अनुसार सब सेंटरों में, मैंने कल बोला था शायद कि 8000 सेंटर है उसका अलग अलग देश प्रांतों में, ठीक है, तो वो सब सेंटरों में उसी के अंदर में ही ये संचालन और नेतृत्व चल रहा है, और उसी जो वहाँ से जो आउट होता है आबू से, उसी के अंदर एक मुरली करके जो चर्चा आती है, वही सब जगह एक ही जगह पर जो सेंटर जो अपना चलता है, वहाँ सब एक साथ सुबह शाम या दोपहर तीनों टाइम एक ही चर्चा रहती है, एक ही विचार रहते हैं, और देखो, और उसी के नाम पर जो 7 दिन के कोर्स अपने सेंटर पर चलते हैं, और अपनी सेंटर की जो लीडर दीदी है उसका कहा हुआ वो लोग मानते हैं, और उसी के अनुसार मुख्य सेंटर से जो आउट होती है उसी का वो पालन करते हैं, और अपने शिव बाबा के सिवा और उसी के लिए वो मर फिटते हैं। उसका त्याग देखो, उसका समर्पण देखो, उसकी कुर्बानी देखो एक मिशन के प्रति। मैं आज इतने सुंदर साथ को पूछ रही हूँ, और मैं अपनी स्वयं को भी ले रही हूँ कि अपने धाम दिल पर हाथ एक बार रख कर अपने को पूछ लीजिए कि सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, हम कितना इस राह पर चलने में कितना प्रतिशत हमारा योगदान है? क्या वो उसने जो चल के दिखाया उसी तरह हम कर पाएंगे? तभी सुंदर साथ जी एकता और संगठन बने हुए हैं, तभी इतने प्रचार प्रसार इतना फैलाव है, और कितना इसी नाम पर वो मर फिट रहे हैं। और आज हम एक अक्षरातीत के लिए युगो युगो से संसार ध्यान समाधि लगा के शून्य में लीन हो गए, दिशा नहीं बता पाए, उस अक्षरातीत का हम टुकड़े कर रहे, बंटवारा कर रहे, और आज अलग अलग प्रांत में और अलग अलग कई जगह शहरों में कोई श्यामा महारानी, कोई राज्जी, या कोई कौन ये बनकर हम तो राज्जी की और गरिमा को और नीचे। तो ये आज मैं इसी प्रसंग के माध्यम से आज सुंदर साथ को एक मैं क्या कहूँ, निवेदन भी नहीं कह सकती, मैं एक दिल की आह कहूँ, टीस कहूँ, पुकार कहूँ, सुंदर साथ जी इतना सुनकर मेरी इस टीस की, मेरी एक की नहीं, हमारे समस्त सुंदर साथ की आह को आज आप ध्यान से इस प्रसंग को सुन लीजिए, और जो सुंदर साथ आज गुमराह हो रहे हैं, और उसी की वजह से और सुंदर साथ के ग्रुप भी उसके जो पीछे लगे हुए हैं वो भी गुमराह हो रहे हैं, ये कान खोलकर आज सुन के धनी की दीने इस्लाम की ये वाणी की और ध्यान की राह पर, प्रेम की राह पर चलकर युगल स्वरूप के चरणों में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ, यहाँ क्या बताया, ये तो अक्षरा तीत था, और केशवदास जी ने इतना सुना तर तुरंत निकल पड़े, सुंदर साहब एक क्षण की राह देखी नहीं है, और खोदते जिसको लगी है, जिस दिल में घाव लगे हैं, हमारे लिए तो वो वचन घटित होते हैं कि तो भी ना लगिया कलेजे घाव, तो भी ना लगिया कलेजे घाव, धनी ये ते गुण तेरे सहे, यहाँ तो निकल पड़ी, खोदते दिल्ली पहुंची, दिल्ली में रामचंद्र पंसारी मिलते हैं, और वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि श्री जी कहाँ है, विठलेश गौर की सैद की हवेली में, तो वहां प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके फिर वहां जब चरणों में प्रणाम किया, तारतम ज्ञान ग्रहण किया, और तारतम ज्ञान ग्रहण करने के बाद वहां से निकल पड़े, फिर वापस कहाँ आए,
सिद्धपुर में, और सिद्धपुर आके फिर वहाँ भी एक दूसरे के सौदास और भी सुंदर साथ बहुत से नाम है, आप एक नाम में सब नाम को सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत से सुंदर साथ को प्रमोद करते हैं, जगाते हैं, और जगाने के बाद सुंदर साथ जी वहाँ एक ज्ञान केंद्र खोलते हैं, कहाँ, सिद्धपुर में। अपने घर में मंदिर नहीं बनाया, क्या खोला, ज्ञान केंद्र खोला, और वहां ज्ञान केंद्र खोलने के बाद परम धाम की, ब्रज की, रास की, और यहां बताया कि धाम की चर्चा में सबको डुबो दिया। कैसे धाम की चर्चा केशवदासी करते होगे, जो केशवदासी आगे जाके वाणी का संकलन भी हो ही करेंगे, देखो राज्य कितनी बड़ी शोभा देंगे उसको। यहां धाम की चर्चा तो देखो, मिलने के बाद हमको क्या करना चाहिए ये बताया, क्या करना चाहिए राज्य मिलने के बाद, क्या करना चाहिए सुंदरसा जी, घर में बैठा रहना चाहिए क्या, क्या जयराम भाई को बोला था कि घर में कहां तक बैठो रहोगे, सिर पर आई क्यामत रोशन, तो क्या हमको नहीं प्रबोध आता कि कहां तक सरसावे में बैठो रहोगे। चलिए धाम चलने का दिन आ गया है, यहां भी बताया कि धाम की चर्चा में सबको डुबो दिया। अब आगे हम धाम की चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा ऐसे करें, और आगे दूसरे प्रसंग में हम पहुंचे, तो दूसरे प्रसंग यहां सिद्धपुर का प्रसंग पूर्ण होता है, और आगे मेरते पहुंचते, कहां पहुंचते हैं आगे बताओ, बस सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाय लाभानंद जति से चर्चा करी बनाए। सिद्धपुर से मेरते में पहुंचे, और मेरते में जाते ही किसको मिलते हैं श्री जी, लाभानंद यति को मिलते हैं, और उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची कई गहरी गहरी बातें होती है, लेकिन यहां आगे क्या होती है ये धामधनी आगे बता रहे हैं। जैसे ही लाभानंद जति को मिले, तो यति की परिभाषा व्याख्या क्या है, कि जो परब्रह्म के ध्यान में निरंतर डूबने वाले एक वैराग्य योगी को यति कहते हैं, लेकिन यहां लाभानंद यति तो एक खाली नाम मात्र का यति था, वैसा वाला उसके अंदर गुण नहीं था, वो तो एक तांत्रिक था, कैसा था, यति नहीं, एक तांत्रिक था। तो श्री जी के साथ जैसे आपस में चर्चा दोनों के बीच में प्रारंभ हुई, तो करते 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 10 दिन बीत गए, कितने दिन गए, 10 दिन बीत गए, और कदम कदम पर श्री जी जैसे प्रश्न पूछते थे, उसी के पास एक प्रश्न का, क्योंकि वो तांत्रिक थे, सामान्य ज्ञान भी जानते नहीं थे, एक प्रश्न का उसी के पास जवाब आया नहीं, तो क्या हुआ, उसके दिल में क्या विचार आया, उस दिल में विचार आया, क्योंकि अज्ञान रूपी दज्जाल खड़ा हो जाए ना, हो जाएगा ना, क्योंकि राज जी ने बोला 120 साल तक रास्ते में दज्जाल मोमिनों के साथ और श्री जी के साथ लड़ेगा। तो अंदर से लाभानंद यति के अंदर विचार आया कि ऐसे तो जो चलता रहेगा तो मेरी भी गद्दी की मान्यता है सब नष्ट हो जाएगी, और पूरे मेरता के अंदर जो लोग मेरे अंदर में बंधे हुए हैं और कोई कहीं सुनने के लिए जा ही नहीं पा रहे, तो ये जो सब बंधे हुए लोग बिखर जाएंगे, मान्यताएं सब नष्ट हो जाएगी, तो कुछ करना तो पड़ेगा, और कुछ करने के लिए उसने दिल में सोचा कि जो संत ये वैरागी आया है उसके साथ बहुत सी जमात आई है, चलो मैं ऐसा करूं, उसी पर पर्वत चट्टानों बड़ी बड़ी जो पत्थर है
उसको उठाकर कैसे उठाऊ, तो वो तांत्रिक था, तो उसने आसुरी शक्तियों के पास सिद्ध की हुई जो तांत्रिक क्रिया से जो विधि होती है उसी के द्वारा क्या करूं, जो एक मन की एक संकल्प शक्ति से, मन जब एकाग्र हो जाता ने तो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती, उसी के द्वारा अंदर जब सकारात्मक भाव रखेंगे और सात्विकता का भाव होगे और सकारात्मक गुण से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर आध्यात्मिक उपलब्धि भी हो सकती है। मतलब रास्ता तो है, किधर की ओर मोड़ना है ये हमारे अंदर का भाव है। ठीक है, हम इधर की ओर मोड़ रहे हैं तो नरक की ओर जा रहे हैं, गंदगी की ओर, इधर की ओर जा रहे हैं तो सत्य की ओर मोड़ रहे हैं। तो यहाँ बताया कि अंदर तमोगुण ज्यादा होंगे और नकारात्मक भाव रखेंगे तो ऐसा वाला एक तांत्रिक कौन था, लाभानंद यति। तो उसने मन की शक्तियों से आसुरी शक्तियों को एक सिद्ध की हुई जो एक तांत्रिक विद्या से बोल के, ये क्रिया से बोलते बोलते और जो भूत पिचास ये जो आसुरी शक्तियां उसको एकत्रित करने का उसने प्रयास किया। वो लोग शमशान में जाके ऐसी आसुरी शक्तियों के पास ऐसी विद्या सीखते रहते हैं, तो वहाँ से उसने सब लोगों को एकत्रित करने के लिए आह्वान किया, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को आह्वान करके बुलाया। ये सब ने बहुत प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन इतनी छोटी सी कंकरी भी नहीं उठी। क्यों नहीं उठी, कौन आया है, कौन आया है, अक्षरा सामने बैठे लेकिन पहचान पाए। देखो ऐसे तांत्रिक के सामने भी श्री जी गए, बताया ने कि सुर असुरों का बोलते ना, सुर असुरों का सबे पति, असुरों के सामने भी जाएंगे, सुरों के सामने भी तो तांत्रिक के सामने भी बैठे लेकिन पहचान नहीं पाए। और श्री जी के मोमिनों के आसपास कितनी शक्तियां रहती है, पांच, यहां बताया पांच, वैसे तो अनंत सी शक्तियां, पांच मतलब प्रमुख प्रमुख शक्तियों का नाम लिया, यहां बताया कि पांचों शक्तियां जिस सिर पर खड़ी है तो उसका कौन बिगाड़ सकता है। कौन कौन सी है, इसराइल, मैकाइल मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जबराइल के जो ससराफिल की बुद्धि, वैसे वो भी पांच शक्तियां श्री जी के अंदर, तो सिराज जी के जो सुकम, अक्षर की आत्म, श्यामा जी की आत्मा, तो वैसे पांच शक्तियां यहाँ, ये भी पांच जो शक्तियां मैंने बताई और श्री जी के अंदर भी बैठी है। और यहाँ सुंदरसा जी उसका कैसे चलेगा, तो उसी का दबदबा, कोई जबरदस्ती या कोई जो आह्वान करके कई उच्चारण उसने तांत्रिक क्रियाओं से किया लेकिन चला नहीं। अंतिम हार थक कर मौन होकर एक जगह बैठ गए। तो यहां इस प्रसंग से क्या समझाया कि सुंदर साथ जी, आज सुबह आप बता रहे थे ने कि कोई देवी की ओर मोड़ रहे हैं, कोई साधु संतों की ओर मोड़ रहे हैं। देखो घर में अक्षरा तीत बैठे, उसकी तो पहचान है ही नहीं कि ये साधु संत देवी देवता भगवान अवतार ये सब भी किसी की आराधना में लगे हैं, नारायण की। और नारायण किसकी आराधना में है, अक्षर ब्रह्म के अंदर बैठी हुई शक्तियों की, सदाशिव की, महाशिव की, जो भी हो उस ईश्वरों के इसकी, और अक्षर, अक्षर से ऊपर अक्षरा तित। लेकिन वो बिचारे को क्या पता। तो यहां राज जी ने क्या बताया कि वो मौन होकर बैठ गए। तो सुंदर सात जी, ये धनी हमको मिले हैं, ये अक्षरा तित हमको मिले हैं। तो यहां लाभानंद यति का कुछ दबदबा नहीं चला और मौन होकर वो बैठ गए। तो यहां राज जी ने इस प्रसंग से समझाया कि कोई तांत्रिक यांत्रिक जो भी आज संसार में बहुत से अंधविश्वास, अंध परंपराएं और कई
ऐसी बहुत सी प्रचलित मान्यताएं चलती है हमारे दिल में, तो सुंदर सा जी एक राज्य को मांग लो तो सब कुछ उछे, तुम आए सब आया, किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो यहाँ नहीं चला। और ये प्रसंग को पूर्ण करते हुए राज्य आगे बढ़ते, क्या तो श्री जी ने वहां चर्चा प्रारंभ कर दी, एक हवेली लेकर सब सुंदर साथ, और श्री जी वहां एक जगह पर एक स्थान निश्चित करके वहां चर्चा चितवनी और ऐसे ही अवलोकिक ज्ञान की चर्चा सुनते। पहले क्यों नहीं आते थे? लाभानंद यति का डर था, तो आसपास के या ग्राम के लोग कोई नहीं आ पाते थे। यहाँ बताया कि सब लोग एक मधुमक्खी की तरह, जैसे एक मधुमक्खी छाते में जब वहाँ पूरे पूरे के लगी रहती ना, ऐसी तरह श्री जी बैठे हैं और आसपास में घेर कर बहुत से सुंदर साथ तो है और भी संसार के लोग मधुमक्खी की तरह चर्चा सुनने के लिए आने लगे। और वहां कौन कौन आते हैं ये राज्य हमको आगे बताते हैं। कौन कौन आते हैं? पहले राजा राम भाई। कौन आया? राजा राम भाई वैश्य कुल के थे, राजा राम भाई आए और पूरा परिवार सहित आए। हमारे घर में तो दो सुंदर साथ है तो तीन तो देवी के मानने वाले, दो भगवान अवतार को मान ले। एक एक प्रसंग सखी क्या सिखा रहा है, देखो पूरे परिवार को क्यों पहचान नहीं है। यहां तो राजा राम भाई की एक ही चौपाई लिखी, एक ही चौपाई में राज जी ने बता दिया पूरा परिवार सहित। तो धिक्कार इस जीव को कि ये जीव क्यों नहीं सुंदर साथ समाज को पहचान करवा रहे, क्यों परिवार को पहचान नहीं करवा रहा है, क्यों समाज को पहचान नहीं करवा पा रहा है। तो यहाँ इतना नहीं, राजा राम भाई की बात तो आगे भी चौपाई में रखेंगे कि वो वाणी समझने में भी जानकार थे, आगे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन की सेवा कर ली। आज सुंदर साथ को भी एक अंदर भ्रम बना रहता, भ्रम मत राखी अंदर कि मैं कोई महान विभूति या कोई महान हस्ती के साथ। ध्यान से सुनिए आप, यह प्रसंग भी आज मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यहां राज्जी बता रहे, मैं नहीं बता रही हूं। सुंदर साथ कहीं हमारे वहां भी मैंने देखे और कई कई स्थानों में देखे कि उसको ऐसा लगता है कि हम कोई महान विभूति के साथ, कोई महान हस्ती के साथ या कोई बड़े स्थान गदिपति है या कोई महाराज जी है उसी के साथ हम रहते हैं। कई बार भंडारे में रहते हैं, कई बार उसी के साथ हमको बड़ा बड़ा स्थान या सुविधा मिल जाती है। हमको महाराज जी ये बड़े ऊंचे ये चबूतरे या कोई मंच में बैठाते हैं, हमारी फूल माला करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। देखो इतनी बड़ी शोभा सुंदर साथ समाज में हमको मिलती है तो हमको तो राज्य मिल जाएंगे। और हम भंडारा करते हैं, रसोई भी देते मंदिरों में, स्थान में, पुरियों में, धाम में, तो हमको तो राज्य मिल जाएंगे और कुछ करने की सेवा की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक भ्रम है, ये भ्रम मत पालो। ये एक अंदर से संतुष्टि कर ली है, एक ठीक है, सेवा का अपनी जगह महत्व है, मैं सेवा को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, हट नहीं कर रही हूँ। मतलब जो सेवा है, रसोई की सेवा हो, साथ में सेवा चलने की या कोई यथा योग्य की जो भी सेवा हो, ठीक है, सुई का अपनी जगह महत्व है, तलवार का जहाँ कपड़े सिलने हो तो सुई की जरूरत पड़ती, जहाँ लड़ना हो तो मां सुई नहीं चलती ना। तो वैसे अपनी अपनी जगह, मतलब हमारी एक सुंदर साथ मेरे को परसों पूछ रहे थे कि भाई ध्यान करने की दीदी क्या जरूरत, क्या ध्यान करने से ही राज्य मिलेंगे? तो मैंने बताया कि आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो। तो उसने ये बताया कि सुंदर साथ कई बार मेरे को बोलते हैं कोई कोई सुंदर साथ कि भाई तुम्हारा मन कहीं भी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, ये लक्ष्य पर आप लगी रहोगी तो आपको राज्य प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने बताया दीदी ठीक है, लक्ष्य तो लक्ष्य है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, लक्ष्य तो लक्ष्य है, लगना चाहिए, लेकिन उसने
एक सामाजिक या नीचे की एक सामान्य स्तर की सेवा बताई, उससे आगे भी अंतिम सेवा तो प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, अंतिम प्रेम सेवा की बात है। और हमारा लक्ष्य युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार और वही चरण कमल हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं नहीं बोलूंगी, चौपाई का प्रमाण दूंगी, सूरत एक है, क्या बोला, मूल मिलावा राज्य ने बोला, जितना भी कर लो लेकिन अंतिम तो आपकी सुरता को कहां लेके जाना है, कहां लेके जाना, युगल स्वरूप के लक्ष्य अभी बनाओ। तो वो सुंदर साथ ने बोला कि सुंदर साथ कहते हैं कि आपकी जहां भी रुचि हो, आपकी जहां भी इच्छा हो, आपका जहां मन लगता हो, ध्यान से सुनिए कि आपको बाघा बनाने में राज्य के, तो आप बाघा बनाइए ने, ये तो राज्य आपको ये करने से भी मिल जाएगा। या आपकी इच्छा कोई भोग बनाने में हो, या कोई श्रृंगार बनाने में हो, या अन्य कोई भी छोटी बड़ी सेवा में हो, तो उसे भी राज्य मिल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ध्यान चितवनी करने की जरूरत पड़े। तो बच्चों आप जवाब दीजिए, क्या ध्यान चितवनी किए बिना यही सेवा से हम परमधाम पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे? ध्यान से सुनिए चौपाई, ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, फिर फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट, ये हक कदम हृदय आवही, तब खुल जाए अंतरपट, तब खुल जाए अंतरपट। राज जी ने श्रृंगार ग्रंथ में, मैंने नहीं बोला, ये चर्चा राज जी ने की कि फिर चरण को निरखिए, ये चरण निमुख, ये क्षण भी, मैं तो सुंदर साथ जी एक घंटे दो घंटे की बात बता रही हूँ कि चलो राज्य के चरणों में दो घंटे तो अपने मन सुरता को ले जाइए, अपनी रूह को ले जाइए, अपने घर काम में निवृत्त होकर और काम निपटा कर आप दो घंटे तो राज्य का चिंतन ध्यान कीजिए, चितवनी कीजिए। यहाँ तो राज्य ने क्या बोला, ये चरण निमक एक क्षण भी, तो ये तो यहाँ संभव ही नहीं, आपको प्रश्न खड़ा होगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि खाते पीते उठते बैठते कई हम क्रिया में रहते, रात को सो भी जाते तभी क्या करे, उसी टाइम क्या करे, तन सुरे रूह निसदिन जागे, तन सुरे रूह निसदिन जागे, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल अमे रहिए, सदा आनंद मंगल अमे रहिए। क्या बताया कि तन भले सो जाए यहाँ की लीला के अनुसार, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ना रूह, वो कभी भी नहीं सोती। लेकिन कब नहीं सोती, जब हमारे धाम दिल में, ध्यान से, हमारे धाम दिल में चितवनी के माध्यम से, पहले ज्ञान के माध्यम से स्वरूप खड़ा हो जाएगा, और ध्यान के माध्यम से हम प्रत्यक्ष करके इस दिल में जब विराजमान कर देंगे, उसी के बाद हर क्षण आप स्वरूप को देख पाओगी, हर पल आप स्वरूप को देख पाओगी, फिर बाद में ये स्वरूप कहीं नहीं जाएगा, आपकी खुली नेत्रों से भी आप अंदर देखती रहोगी कि मेरे से तो धाम धनी ये क्षण दूर नहीं है। यहां क्या बताया,
इस प्रसंग के माध्यम से श्री जी चर्चा कर रहे हैं और राजा राम भाई की बात चल रही है ना, यहां राजा राम भाई की बात चल रही है ना ये प्रसंग बच्चों, ठीक है। तो यहां एक क्षण भी तो राजा राम भाई की बात को जोड़ते हुए बताया कि राजा राम भाई ने सिर्फ धन की सेवा नहीं की, तन की भी की, मन की भी की, जीव की भी की और आत्मा की भी पहले की। बोलिए श्री प्राण है, आत्मा की पहले की, क्या की ये आगे बताएंगे। और उसकी पुत्री ललिता सखी वो भी साथ में जुड़ती है और कहां तक साथ निभाती है वो अंतिम समय तक। और खम्मा मारा राज ने एक कदम जब भोग जाता है आइए कोठा मंदिर से आता है तो खम्मा मारा धनी खम्मे मेरे राज को खम्मे मेरे धनी को कैसे आखिर तक सेवा निभाती है वो ललिता। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टोक टोक कर डारो यातन, टोक टोक कर डारो यातन, ओ पर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी इन जेर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ियो अति भारी, फिर मोजने एकते सयाल मेरी, कई जीता के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। ये किरंतन मेड़ते में उतरते हैं और सुंदर साजी ललिता सखी कुबड़ी थी, उसका अंग कुरूपन था मतलब कुरूप थी। यहां दो रूप में हम देखे, बाहरी तो कुरूप थी जैसे द्रापर में श्री कृष्ण जी ने कुबजा के तन को स्पर्श करते सुंदर रूप सुंदरी बना दिया। यहां श्री जी एक दिन जब स्नान जीर्णा कर रहे थे उसी समय ललिता जी वहां से पास हुई, वहां खड़ी रही। श्री जी ने स्नान करते करते लोटे से उस पर एक जल की छींट लोटा डाला, तभी सीधी क्या बन गई सौंदर्यवान, परम धाम की नूरी स्वरूप परम परात्म जैसा दिव्य स्वरूप दर्शन किया। यहां सुनिश्चा जी क्या धाम धनी ने बताया कि हमारे अंदर भी कितना कुबड़ापन है, कितना कुरूप मतलब कितना अवगुण है, कितने विकार है। धाम धनी की दृष्टि पड़ते ही दूर हो गए, जैसे ललिता के अंदर दूर हुए ऐसे हमारे अंदर भी धनी ने दूर किए, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। सुंदरसा जी राज जी की वाणी जैसे आती जाएगी वैसे जब ये सुख अंग में आवही तब छुटी जाए विकार, जैसे जैसे सुख हमारे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे ये अंदर से निकलता जाएगा। और यहाँ क्या लीला बताई धाम धनी ने परम धाम की,
तो तब हम लीला को सुंदर साची आगे बढ़ाए। बहुत सुंदर साथ वहाँ जुड़ रहे हैं नृत्य के अंदर, बहुत सुंदर साथ जुड़ रहे हैं। तो हम थोड़ी परमधाम की लीला को देखे कि यहाँ बताया वारी रे वारी, जैसे एक ललिता ने अपने धनी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वार दिया, कुर्बान कर दिया अंतिम समय तक। और इतना नहीं, ये कौन है तो अक्षरातीत, जो कुंज निकुंज, क्या है कुंज निकुंज बच्चों, कहाँ है? परम धाम में। इस लीला को हम 5 मिनट देखे, उसी के माध्यम से आपको परम धाम का वर्णन, पता नहीं अंतिम अष्टपौर में राज्य समय रखे ना रखे। तो यहाँ कुंज निकुंज वन पश्चिम की चौदान जो पश्चिम दिशा में आई है दिव्य परम धाम में, उसी के पूर्व की ओर से लेकर और रंग महल की दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी को छोड़ते हुए जो कुंज निकुंज के वन और ओज कोसर के ताल के घेरते हुए और आगे पूर्व की ओर अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक, ये कुंज निकुंज के कोई चौरस चौकोर, कोई गोल, कोई चौकोर, चार चौकोर तो बीच में एक गोल, चार गोल तो बीच में एक चौकोर, ऐसे कुंज निकुंज वन दो भौम और तीसरी चांदनी आई है। कैसे उस मंदिरों की शोभा बनी है, उस जो चार गोल वाले हैं उसमें भी नीचे से 8 नहरें, 4 कोने की 4 दिशा की निकल रही है, और नहरों की पाल पर भी कैसे शोभा आई है, बीच में जल बह रहा है, पालों पर भी कैसे मंदिरों की और भी अन्य शोभा, पेड़ों की, वृक्षों की, उस पत्ते के अंदर भी कैसे नक्शीकारी, जड़ावकारी, कैसे चित्रकारी की हुई है। और एक कुंज वन को हम देखें वैसा ही निकुंज वन है, तो एक कुंज वन, कुंज वन चौरस है और निकुंज गोल है, तो चौरस चबूतरे कमर भर ऊंचे बने, उसी परम 3 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, तो ऊपर क्या आया, किनार की जगह छोड़कर मंदिरों की, लेकिन मंदिर किसके बने हुए हैं, पत्ते फल और फूल के बने हुए हैं। मंदिर के अंदर महल और महल के अंदर सिंहासन, कुर्सी और बैठक आदि की, और बीच में सुंदर एक कुंड भी बना हुआ है, कुंड की पाल पे भी बैठने की सुंदर शोभा बनी है कुर्सी सिंहासन की। और जो निकुंज है और कुंज है, उसमें कुंज निकुंजों में जो ऊपर चंद्रमा के रूप में जो शोभा बनी हुई है, और नीचे से जो रेती कोई दुखुनी तीखुनी चौखुनी और कोई अनेक रंगों की जलकारो जलकार करती हुई रेती, और रेती का नूर ऊपर चंद्रमा जो ये पत्तों से फूलों से फलों से बना हुआ, उसी से नूर निकलकर कहाँ तक जा रहे, आसमान तक, और आसमान का नूर नीचे तक आ रहा है। और चौकों में रेती भी इतनी नरम है, इतनी मुलायम है कि वहाँ चलते समय तक, समय वहाँ हमारे घुटने तक का फिर अंदर चला जाता, इतनी कोमल मुलायम वहाँ बालू बिछी हुई है। इतना नहीं, वहाँ कैसे पशु पक्षी जानवर कहीं अपनी मीठी मधुरी वाणी में कैसे गुंजारव करे, कैसे मीठी मधुरी वाणी में राज्य को पुकार रहे, गायन कर रहे, पियो पियो कर पुकार, कहीं कहे खसा मखसम, कहीं कहीं मुख मुख बोलही, कहीं कहे तुम्हें तुम अस्वारी पशु पंखियनो पर धनी करत है जब। सुंदर साथ जी, ऐसे कुंज निकुंज के वनों की और ऐसे कुंज निकुंज वनों में जो शोभा आई है, वहाँ कुंज निकुंज वनों में हम ब्रह्मात्माए श्री राज जी के साथ कैसी लीला करती थी,
इस कुंज निकुंज वनों में लीला करने वाले। यहाँ ललिता सखी ने बोला कि यही धनी अक्षरातीत पर मैं वारी जाती हूँ। और आगे बताया कि इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया। ये सुंदर साची, ये जहर विष रूपी उरु सब भूमि विष की है, खाने पीने सब चीज विष की है, ओढ़ने की सोने की। ये विष रूपी जिमी से अभी कोई नहीं निकसिया है। आपको अंदर माया का इतना नशा चढ़ा हुआ है, ताम धनी आपको जगाने के लिए तातम वाणी से हम सुंदर साथ भी आज कितना प्रयास जगाने का कर रहे हैं। तो यहाँ दामधनी ने आज वर्तमान के समय को लेकर बताया कि सुंदर साथ जी जगिए, जागो और जगाओ। इन जहर जिमी से कोई न निकसिया, अमल चढ़ी होती भारी, मुझ देखते सहल मेरी के जीत के। ऐसा नहीं तुम तो अभी अपने को गर्व मान रही हो या अपने को एक अहंकार ले रही हूँ कि माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। नहीं, यहाँ बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े यहाँ के मैं क्या कहूँ अवतार, तपस्वी, कई ऋषि मुनि, ऐसे कई बहुत से लोग आए, उसने भी उसको भी उसने माया ने छोड़ा नहीं है। कई एक बारी संसार में बाजी भी जीत ली, फिर हार गए ये माया ने। किसी को देखो ने भागवत के आधार पर सौरभ ऋषि, ठीक है, और ययाति ऋषि, ऐसा कई हम प्रमाण देखते, कई साल तक ध्यान करते हैं, फिर इस माया ने कैसे एक मछली को जोड़े को देखकर फंसा देते हैं। तो बताया कि कई लोगों ने यहाँ जीत लिया इस संसार में, फिर एक एक क्षण में इस माया ने नीचे गिरा दिया। तो मैंने अपने नेत्रों से देखा यहाँ धामधनी, क्या बता रहे इंद्रावती के धाम दिल से, कि बड़े बड़े तपस्वी लोग भी एक ही क्षण में माया ने गिरा दिया है। तो तुम तो परम धाम की आत्मा हो, इस संसार से निकलकर बाहर चलने की तैयारी करो। आगे जाके जाजन भाई भी जुड़ते हैं, और ये दोनों की सेवा कहाँ तक रहती है, पन्ना जी तक, शायद 9-10-11 साल की, साथ जो 32 से जुड़ो मेहता से, क्योंकि 1729 में हम सूरत आए थे, वहाँ 17 महीने रुके, इसी से आगे मान लो कि 29 से 30 31 और 32 का साल होगा, और 43-11 साल तक, 10-11 साल तक वहाँ पहुँचने के बाद 1743 तक तो छत्रसाल को भी पता नहीं कि सेवा कहाँ से, खाने पीने ओढ़ने की कमरी की सेवा कहाँ से आ रही है। तो यहाँ से बताया, और वहाँ जब मोमिन लिखे, मोमिन को कहो तो आवे हम इत, तो पता लगा कि सेवा तो मेरते के सुंदर साथ राजा राम भाई और जानजन भाई से आ रही है। तो ऐसे हमारे अग्रगणी सुंदर साथ राजा राम भाई और जानजन भाई भी जुड़ते हैं, और भी बहुत से सुंदर साथ वहाँ जुड़ते हैं। और अंतिम सोपाई में बताया कि मेरते में एक दिन श्री जी जब चल रहे हैं तो क्या रास्ते में एक पुकार सुनाई देती है। इससे पहले श्री जी मेरते से गोवर्धन भाई को कहाँ अटक पार जसवंत सिंह के वहाँ भेजते हैं। मैं किस्सा ज़्यादा विस्तार से नहीं लूँगी, वित्तक साहब में बताया ही है, क्योंकि जसवंत सिंह वीरता की दृष्टि से बहुत मतलब एक अग्रगणी थे, लेकिन उसकी मानसिकता औरंगजेब के अधीन रहने की बन चुकी थी। तो उसी के पीछे उसने क्या किया, अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को खो दिया। अंतिम वो भी काबुल मराठा को दमन करने के लिए गए, तो उसके भी वहाँ सुंदर साथ जी वहाँ जब ये अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को जेर देकर मरवाया गया, तो वहाँ पता चला उसको, जसवंत सिंह को, तब उसने भी अपना तन छोड़ दिया। अपनी पत्नियों का दुर्गा दास ने रक्षण की। तो यह प्रसंग को लेकर जब गोवर्धन भाई यहाँ लालदास सी महामती अपने स्वरों में कह रही है कि गोवर्धन भाई वहाँ संदेश लेकर तो गए, लेकिन जसवंत सिंह ने सुना, क्योंकि अंदर अंकुर नहीं था। और उसी के बाद एक दिन श्री जी राह में चल रहे थे तो मस्जिद में एक मीनारे पर चढ़कर मुल्ला बांग पुकार रहे थे, ला
इल्ला इन इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला, क्या ला इल्ला इन इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला। जब श्री जी ने ये बात सुनी तो उसी के दिल में क्या विचार आया, वैसे तो पांचों शक्तियां विराजमान है, हम कल के प्रसंग में देखेंगे कि अरे ला तो नाही को कहिया, इल्ला अखंड अक्षर को कहिया, इन इल्ला अक्षरा तित को कहिया, ये तो हमारी बात है, ये कोई दूसरे की नहीं है। इतना नहीं, उसको ये भी याद दिलाई कि चलो कतेब में कुरान में, ध्यान से कतेब में कुरान में रसूल जो मोहम्मद साहब आए थे ये हमारी साक्षी लेकर तो आए हैं। तभी तो ये मुल्ला बांग पुकार के क्षर अक्षर और अक्षरातीत की याद दिला रहा है। और आगे सोचा कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने बोला था कि शाकुंडल और सकुमार की जागनी के लिए, और देखो उसने ये भी बोला था कि दोनों जग जाएगी तब पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। इतना नहीं, सदगुरु ने यह भी बोला था कि परम धाम में पांचों स्वरूप अद्वैत में एक है, तो वहां उसी के बिना तो कोई है ही नहीं। तो चौकस यही ये रसूल मोहम्मद, क्योंकि सब तो फरामोशी में है, तो रसूल को भेजने वाले कौन है, राजी, और कतेब में साक्षी लिखाने वाले कौन है, राजी। तो चौकस ये कौन आया है, ये मोहम्मद रसूल साहेब आया है। तो इतना नहीं, अब रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गे न, हुक्म बजाए फिर फिरिया तब सोई इनका एन। तो ये रसूल साहब आए है, और आगे हम बस चौपाई दोहरा दे, कल रह जाएंगे तो हम अंतिम कल सुंदर साजी ले लेंगे प्रसंग को। तो यहाँ आगे बताया कि ये रसूल के सिवा ये संदेश कोई नहीं दे सकते, और यहाँ ये अंतिम भी बताया कि गिरो इताई नहीं तो यो करी शरत, कहिया खुदा हम इताउशी फरदा रोज क्यामत। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन तो क्यामत की कौन करे रोशन, ठीक है, हकीकत मार्फत की कौन आगे करे बयान। क्योंकि सनंद में भी बताया है कि 38 नंबर के प्रकरण या 39 के, इसने भी बताया कि जाहिर कहिया रसूले में अरब सुने हैं कान, आए इमाम कैसी लेकिन चढ़िया नहीं फुरमान। तो मेरे को एक शरीयत और तरीकत का ज्ञान रसूल साहिब को अनुमति मिली थी खुदा की, बस इतना ही हुक्म था। तो कुरान के अंदर ये ज्ञान आया, और हकीकत के रूप में मुक्ते आत 12 हरफ लिखे गए, लेकिन मार्फत के जो 30,000 वचन थे वो मुहम्मद की जुबा पर नहीं चढ़े। तो यहाँ श्री जी ने विचार किया कि ये माँ हमारी वो पहचान है, तो यहाँ तहकीक हमारे खाविंद हमारे वास्ते ही ये महमूद रसूल को भेजा है। महामती कहे साथ जी यहाँ लो ईशा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चलो कहो एक दिन आदम। महामती कहे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, यहाँ तक वेद पक्ष का सदगुरु धनी देवचंद्र जी के द्वारा बताया हुआ वेद पक्ष का ज्ञान था, अब उसके अंदर कतेब पक्ष भी शामिल हो गया। तो अब वेद और कतेब, हिंदू और मुस्लिम सबको एक झंडे के नीचे लाकर एक अक्षरातीत एक खुदा ताला की पहचान कराने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो सुंदर शाह जी ये तो स्वयं अक्षरातीत की लीला है, परिश्रम करने की तो कहाँ बात है, सिर्फ यहाँ साक्षी मिला रहे। तो यहाँ बताया कि कहो एक दिन आदम, तो सबको एक झंडे के नीचे लाया जाएगा। तो ये आगे की चर्चा हम कल सुनेंगे, हम चुप दोहराए बोलिए श्री प्राणनाथ। महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईशा का इलाम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।